फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र के वंशीधर डिग्री कॉलेज के पास मंगलम विहार कॉलोनी में लगभग 2 वर्ष से चल रहा नकली दूध बनाने के कारोबार पर सहायक आयुक्त खाद्य विभाग आगरा के विनीत कुमार ने 1000 लीटर नकली दूध सहित ग्लूकोज पाउडर रिफाइंड केमिकल सहित दूध बनाने का अन्य सामान भी पकड़ा तथा मौके से आरोपी यादवेंद्र सिंह व कैलाश गाड़ी वाले को हिरासत में लिया। नहीं, जिस प्रकार आगरा से टीम आई आपकी शिकायत मिलने के अनुसार और पकड़ा है सैंपल लेने वाली बात और एक पूरी और मरीजी बनाने का दूध बनाने का और ये सब की तो क्या है दूध फट जाता तो क्या डालते हैं इसमें ये जैसे मशीन में ये जो सामान मिला केमिकल का है ये क्या है ये बोरी में क्या है ग्लूकोज किस काम में लिया जाता है आपको कोई ब्रांड आता है क्या दे यार फिर हम लोगों को मंडल में सूचना प्राप्त हुई थी ये टोंडला में मर्शिदा डिग्री कॉलेज के सामने कोई आदमी नाम पे व्यक्ति है जो सिंथेटिक दूध तैयार करता है और मानव भोग के लिए वार भेजता है। इस सूचना पर विश्वास करके डीएम महोदय जो फिरोजाबाद की है उनसे एसडीएम साहब से टुंडला से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया और प्लानिंग की यहाँ पर रेड डालने की आज उसी में रेड में हम लोग आए थे और ये सूचना सत्य पाई गई कि यहाँ पर ये लिक्विड ग्लूकोज ग्लूकोज पाउडर स्किन मिल्क पाउडर इसके अलावा न्यूट्रलाइजर और ये केमिकल है जो आर एम मेंटेन करता है और ये सबको मिला करके एक इनके पास ब्लेंडिंग मशीन भी है जिसमें सब मिलाते थे और ये सब मिला करके ये दूध तैयार करते थे। दूध मौके पे 1000 लीटर लगभग बरामद किया हुआ है और बाकी सामग्री बरामद हुई है। अगर इसमें गिरफ्तारी किसके कितने लोग कितने भी कार्रवाई चल रही है जैसे फोन होती है हम आपको पूरी सूचना We'll be right back.